एक छोटे बच्चे से एक आदमी ने पूछा, बेटे आपके पापा का नाम क्या है? बच्चा बोला, अंकल अभी उनका नाम नहीं रखा है, बस प्यार से पापा पापा कहता हूँ। एक लड़की बस स्टॉप पर खड़ी मोबाइल से बातें कर रही थी। लड़के ने उसे देखकर कमेंट किया, काश मैं मोबाइल होता और तेरे गालों से चिपका रहता। लड़की बोली, हाँ फिर घर पहुँचते ही तुझ में चार्जर लगा देती। एक थकी हुई भाभी को बस में बैठने की जगह नहीं मिली तो एक सीट पर बैठे छोटे लड़के को पूछा, खड़ा हो जाएगा क्या? लड़का बोला, हाँ हो जाएगा आंटी, 9वीं क्लास में आ गया हूँ। उसके बाद भाभी पूरे रास्ते खड़ी खड़ी गई, किसी से नहीं पूछा बेचारी ने। एक बार मियाँ बीबी छत पर सो रहे थे, अचानक बीबी रोमांटिक मूड में आकर बोली, सुनो जी आप मुझे आजकल किस भी नहीं करते हो? पति बोले, अरे डार्लिंग समझा करो, अभी नहीं कर सकता। बीबी बोली, क्यों अभी क्यों नहीं कर सकते? पति बोले, वो तुम्हारी छोटी बहन की शादी होने वाली है ना? बीबी बोली, हाँ तो फिर? पति बोले, आजकल उसे किस की प्रैक्टिस करा रहा हूँ। संता बोला, यार मेरा दोस्त बिना किडनी बेचे आईफोन 11 ले आया है, लेकिन पता नहीं अब उसे बैठने में थोड़ी तकलीफ क्यों हो रही है। किसी चांद को अपना बनाने से पहले चेक कर लिया करो कि उसके आगे पीछे कितने ग्रह चक्कर लगा रहे हैं। खामोश मेंबर्स से गुजारिश है कि चू चू करने वाले जूते ही पहनकर ग्रुप का राउंड लगा लिया करें, ताकि हमें आपके होने का एहसास होता रहे। देश की आधी आबादी तो इस वजह से बढ़ गई कि देख लेना इस बार तो लड़का ही पैदा होगा।